स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लगइन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज आप गूगल मीट पे कर सकते हैं, और उसको यूज करने से आपको ये फायदा होगा कि आप सभी को पता है कि जब आप गूगल मीट होस्ट करते हैं तो आपके जो पार्टिसिपेंट हैं वो जब मीटिंग में ज्वाइन होते हैं तो एक एडमिट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है हर एक पार्टिसिपेंट को एडमिट करने के लिए मीटिंग के अंदर, उसे परमिशन देने के लिए। तो मान लीजिए कि आपकी मीटिंग के अंदर अगर 100 पार्टिसिपेंट हैं या 50 पार्टिसिपेंट हैं तो आपको 50 बार वो जो एडमिट का बटन है उसे बार बार क्लिक करना पड़ता है। अगर आप उसको क्लिक नहीं करते हैं, अगर आप देर कर देते हैं उसको क्लिक करने में, तो जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं इस प्लगइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसका यूज करके आपके जो पार्टिसिपेंट्स है वो ऑटोमेटिकली आपकी मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। एडमिट का जो पॉपअप है वो ऑटोमेटिकली आपके पार्टिसिपेंट्स को मीटिंग में ज्वाइन होने देगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये चीज पॉसिबल हो जाती है तो आप अपनी मीटिंग को बहुत इजीली होस्ट कर सकते हैं, और इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस भी आपकी मीटिंग में नहीं होगी कि आपको हर एक पार्टिसिपेंट्स को बार बार एडमिट करना पड़ेगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि अभी तक आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे हैं, अगर आपको लगता है कि इन वीडियो में आपकी मदद करी है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है इन वीडियो से, तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिए, उन्हें शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छा जो कंटेंट है अपने चैनल पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर पाऊँ, और साथ ही साथ नई चीज़ों की जानकारी आप लोगों को देता रहूँ। प्लीज इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके मेरी मदद कीजिए ताकि मैं और अच्छा काम आप लोगों के लिए कर पाऊँ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है और वहाँ पे ये लिंक आपको इंसर्ट करनी है। ये लिंक जो है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप ये लिंक वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और इस पेज पे पहुँच सकते हैं। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक इंस्टॉल नाउ का बटन दिखाई देगा। क्योंकि ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल करके रखा है इसलिए मुझे यहाँ पे वो इंस्टॉल का बटन नहीं है, यहाँ पे मुझे रिमूव का बटन आ रहा है, बट आप लोग जब इसे ओपन करेंगे तो आपको एक इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे, इस तरह का आइकन जो है वो आपके क्रोम के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही मैं इस आइकन के ऊपर एरो लेके जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मीट ऑटो एडमिट। इस प्लगइन का नाम भी यही है, मीट ऑटो एडमिट। इसका मतलब है कि मीट के अंदर ऑटोमेटिकली एडमिट कर लेता है पार्टिसिपेंट को। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक मीटिंग होस्ट करके बताता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो मीटिंग के अंदर ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। मैं आपको ये दो डिवाइस करके बताऊँगा, इसलिए आपको दो यूजर्स आपको दिखाई देंगे, और मैं साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक मोबाइल फ़ोन भी दिखाऊँगा मेरे वीडियो के अंदर जो इस मीटिंग में एडमिट होगा ऑटोमेटिकली। ये मेरा गूगल मीट ओपन हो गया है, यहाँ पर मुझे मीटिंग की URL मिल गई है, मैंने मेरे मोबाइल डिवाइस गूगल मीट को ओपन कर लिया है, और अब मैं आपको दिखाने के लिए मेरे दो मोबाइल डिवाइस से इस मीटिंग के अंदर एंट्री लूंगा। और मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन को तो मैं मेरे वीडियो में भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है। अब मैं ये जो मीटिंग कोड है ये एंटर कर रहा हूँ मेरे दो मोबाइल डिवाइस में, ताकि इससे आपको कंफर्म हो जाए कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो मीटिंग में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसके बाद का जो भी प्रोसेस है, क्योंकि आपको ये ओरिजिनल तभी लगेगा जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, और जब आप इसको यूज करेंगे तो आप हालांकि जान ही जाएंगे कि ये जो चीज है ये सच में ओरिजिनल ही है। देखिए मैं मेरे कंप्यूटर डिवाइस से तो मीटिंग को ज्वाइन कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो मैं उसे ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि इस मीटिंग में मैं सिर्फ अकेला ही हूँ और कोई भी पार्टिसिपेंट यहाँ नहीं है। अब आपको ध्यान से देखना है, ये जो मेरा माउस का कर्सर है ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे कोने में रखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि जैसे ही मैं मेरे दूसरे दो डिवाइस से ज्वाइन होता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आपके पास आएगा, मैं मेरे माउस के कर्सर को मूव नहीं करूँगा, उन्हें एडमिट नहीं करूँगा, वो जो है वो ऑटोमेटिकली एडमिट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। मैं मेरे एक एक डिवाइस से अलग अलग टाइम पर ज्वाइन हो रहा हूँ, पहले मैं एक डिवाइस से हुआ, मैसेज आया, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया, मैंने उसे ज्वाइन नहीं करा, मेरा माउस का कर्सर है जो मूव नहीं हुआ। दूसरे डिवाइस से ज्वाइन हुआ मैं, ऑटोमेटिकली एडमिट हो गया, मैंने मेरे माउस के कर्सर को मूव नहीं करा। तो आपने देखा आपकी जो परेशानी थी, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते थे कि आपको एक एक पार्टिसिपेंट को एडमिट करना पड़ता है मीटिंग के अंदर, वो ऑटोमेटिकली एडमिट हो गए हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप होस्ट हैं, आपने मीटिंग होस्ट करी है, तो अब आप इस प्रॉब्लम से
छुटकारा पा सकते हैं कि बार बार जो एडमिट करने का पॉपअप बॉक्स होता है, जो बटन होता है जिसको आपको प्रेस करना पड़ता है, वो अब आपको प्रेस नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये छोटा सा ट्यूटोरियल, ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो, आपकी इससे कुछ हेल्प हुई हो, या आप इससे कुछ सीखे हो, या आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो, एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।